हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अकीलास किचन। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक होंगे। आज की इफ्तारी के लिए और ईद की दावत स्पेशल के लिए हम बना रहे हैं चिकन दम बिरयानी। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। इसके साथ हमने चिप्स सर्व किया था, कुचुम्बर सर्व किया था और हमने इसके साथ में जीरा सोडा भी रखा था फ्रेंड्स, ताकि ये पूरा प्रेजेंटेबल लगे और अच्छा भी लगे। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है। इंशाल्लाह आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे। ईद की दावत पे इसे ज़रूर से बनाना फ्रेंड्स। ये हमने 1 किलो जितना चिकन लिया है, जिसमें हमने लेग पीस, बोनलेस, हड्डी वाला पूरा मिक्स है फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से पहले हमें चिकन को मैरिनेट करते हुए हम इसमें डालेंगे नमक आधा चम्मच, थोड़ा ज़्यादा हल्दी पाउडर डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, काली मिरी पाउडर डालेंगे और ये बिरयानी मसाले का पूरा पैकेट हमें डालना है। धनिया पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, सौंफ पाउडर डालेंगे फ्रेंड्स, और इसमें डालेंगे अदरक लहसुन। ज़्यादा क्वांटिटी में आपको भर भर कर अदरक लहसुन डालना है फ्रेंड्स। देखिए, और ग्रीन चिलीज आप थोड़ा स्लाइस में कट करके डाल देना, और नींबू का जूस आपको डालना है, और आधा कटोरी जितना आप इसमें तेल ऐड करना है फ्रेंड्स। और दही लेंगे हम, दही हमें 100 ग्राम लेना है, और प्याज हम 4 से 5 मीडियम साइज़ की प्याज आप फ्राई कर लेना, बिरिस्ता बना लेना और उसमें ऐड करना फ्रेंड्स। बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से आपको इसको मैरिनेट करते हुए 1-2 घंटे के लिए अगर आप रखते हो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है, पर आप ज़्यादा देर तक अगर चिकन को मैरिनेट करोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। और इसमें हम थोड़े केसर के धागे डालेंगे, और ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपको फ्रूट कलर डालना है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो ये ऑप्शनल भी है। और इसके हम थोड़ा सा क्योरा वाटर भी हमने डाला था फ्रेंड्स। यह है कोहिनूर बासमती चावल, जिसे हमने आधा घंटा पहले भिगो कर रखना है फ्रेंड्स। एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, जिसमें हमें डालना है शाही जीरा, मायपत्री, काली मिरी, इलायची, दालचीनी, लौंग और हरी इलायची लेना है फ्रेंड्स, और तेज़पत्ता लेना है। इससे चावल को बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। और नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि चावल को हमें छान कर लेना होता है। आप इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालना, 4-5 लीटर जितना पानी डाल देना। 1 चम्मच तेल ऐड करना है फ्रेंड्स, और पानी को अच्छी तरीके से गर्म होने देना है फ्रेंड्स। जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे उसी का तेल हमें यूज करना है। खड़े गरम मसाले हमें तेज पत्ता, बड़ी इलायची, बादियाना, लौंग, काली मिरी, शाही जीरा, मायपत्री और बड़ी इलायची लेना है, बादियाना लेना है फ्रेंड्स। और जो हमने चिकन को मैरिनेट किया था ना, वो देखिए माशाल्लाह तेल भी कितनी अच्छी तरीके से साइड से छूट चुका है। और एक बार अच्छी तरीके से हमारे मसाले तेल में फ्राई हो गए, उसके बाद हम इस चिकन को ऐड करेंगे हमारे मसाले में फ्रेंड्स। देखिए, अगर आपने प्याज नहीं पहले फ्राई किए तो ये ऐसे मसाला, खड़े गरम मसाले डालने से पहले आप प्याज फ्राई कर लेना, फिर उसके ऊपर से आप गरम मसाले वगैरह सब डालकर अच्छी तरीके से फ्राई करना फ्रेंड्स। और चिकन का जो बाउल में हमने मिक्स किया था वो डालेंगे। चलिए फ्रेंड्स, 2 से 3 इसमें आलू बुखारा ऐड करेंगे और काजू ऐड करना है। आलू बुखारा कहीं भी हमें दुकान पर मिल जाता है। थोड़ा किशमिश ऐड करना है। मटारी लोग इस तरीके से डालकर बनाते हैं दम बिरयानी, और हमें घर में हमारे सबको आलू पसंद है, तो पहले हमने थोड़ा आलू को फ्राई करके ले लिया था। आप स्किप भी कर सकते हो, पर आलू आप डालकर देखना, आपको ना बिरयानी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। और फ्रेश हरा धनिया और पुदीना ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छी तरीके से डालना फ्रेंड्स। देखिए हमारे पानी को भी अच्छी तरीके से बॉईल आ गया है। बॉईल आने के बाद ही हम इसमें चावल ऐड करना है फ्रेंड्स। देखिए चावल को भी आधे घंटे पहले अच्छे से भिगो कर रखना, एकदम खुले खुले बन जाते हैं। और एक नींबू डालना है, नींबू का छिलटा उसके अंदर ही डालना है। चावल एकदम अच्छे वाइट अच्छे खुले खुले बन जाते हैं। और हमने इसे 2-3 मिनट इसे ऐसे दम पे रख दिया था। फिर हमारे जो फ्राइड ऑनियन है, प्याज हम वो डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह हमारे चावल भी हो चुके हैं। अभी चावल हमें ना एक एक पॉइंट पे डालना है, मतलब आप 2-3 मिनट का गैप ले लेकर आप चावल को डालना फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा ओवर कुक चावल को मत करना। जैसे हमने इसे 2 मिनट दम पे रख दिया था, थोड़े से चावल डालकर फिर इसके ऊपर वापस से हमें फ्राइड ऑनियन डालना है, पुदीना, धनिया और जो हमने केसर का पानी भिगो कर रखा था वो भी हमें इस पॉइंट पर डालना है। पर आप क्या करोगे, थोड़ा 5-5 मिनट्स का या 2-2 मिनट्स का भी आप गैप लोगे तो भी चलेगा। देखिए पहले हमने चावल की लहर लगाए, अभी सेकंड हमने चावल की लहर लगा दी। उसके ऊपर वाली लहर में हमने हरी मिर्ची कट करके डाल दी थी फ्रेंड्स। जो हमने फर्स्ट लहर करी थी उसको हमने 50% कुक किया था चावल को, जो सेकेंड वाली लहर थी हमने उसको 60% कुक किया था। अभी देखिए हम इस पे हमारी थर्ड वाली लेयर लगाएंगे। आप कम से कम इसे 5-5 मिनट का गैप देके आप इसे करोगे ना, आपको टेस्ट दम बिरयानी का एकदम मार्केट स्टाइल मिलेगा, भटारी स्टाइल का मिलेगा। लास्ट वाली लेयर डाल देंगे फ्रेंड्स, और थोड़ा जो चावल का पानी होता है ना, आप वो भी इसके ऊपर से थोड़ा डालना। अगर कहीं से भी हमारे चावल में थोड़ा सा भी कच्चापन रहा या मॉइस्ट रहा तो वो पूरा निकल जाता है फ्रेंड्स। और ग्रीन चिलीज ऊपर से डाल देंगे, देखिए, और फ्रेश हरा धनिया पुदीना आप ऊपर से डालना फ्रेंड्स।
बहुत ही अच्छी टेस्टी और यम्मी दम बिरयानी बनती है फ्रेंड्स। आप इस तरीके से ट्राई करना। अगर आपको इस तरीके से लेयर स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये जो केसर हमने भिगो कर रखा था वो भी हम डाल देंगे, और जो तेल हमारा थोड़ा प्याज का बच गया था वो भी हमने डाल दिया फ्रेंड्स। इसे हमने थोड़ा 5-10 मिनट के लिए रख दिया था, फिर उसके बाद हमने इसे पूरा फॉइल पेपर से कवर कर दिया था, क्योंकि एक्चुअल में हमारी ये दम बिरयानी तो एकदम प्रॉपरली इसे दम दोगे तो इतना अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। इंशाल्लाह आपकी ईद की दावत में हर किसी को पसंद आएगी फ्रेंड्स। आप इसे बनाना, आप इस तरीके से बनाना, इंशाल्लाह आपको हमारी ये चिकन दम बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगेगी फ्रेंड्स। इसे अच्छी तरीके से ढक देना और इसके ऊपर कोई भी आप वजन रख सकते हो। और हमें इसे दम देने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे एक तवा रखना है, तवे के ऊपर ही हमें बिरयानी को रखना है। कम से कम आप इसे 10 से 15 मिनट या आधे घंटे के लिए भी आप रख सकते हो, पर 10 से 15 मिनट के बाद इसे चेक करना फ्रेंड्स। देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आई, इतना टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स। आप इसे बनाओगे तो इंशाल्लाह आपको जरूर अच्छी लगेगी। चावल भी बहुत ही खिले खिले एकदम अच्छे बने थे फ्रेंड्स। हमने इसमें दो दो कलर यूज नहीं किया, एक ही सिंगल केसर का जो कलर होता है वो ही हमने यूज किया है। देखिए माशाल्लाह हमारा चिकन भी अच्छी तरीके से गल गया है फ्रेंड्स, देखिए। और इफ्तार के टाइम भी आप इसे सर्व करोगे तो सबको काफी अच्छी लगेगी। देखिए चिकन भी अच्छी तरीके से गल गया है, देखिए। मम्मी आपको एक गरम गरम में ही तोड़कर बता रहे हैं। माशाल्लाह चिकन बहुत ही अच्छी तरीके से गल गया है। अभी हम इसे सर्व करेंगे प्लेट में। चलिए हमने इसे सर्व कर दिया है। आपको और कौन सी रेसिपी देखनी है दावत स्पेशल में, ईद की दावत स्पेशल में, तो आप जरूर कमेंट करके बताना। इंशाल्लाह आपके साथ में हम वो रेसिपी शेयर करेंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आपको ये चिकन दम बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करना फ्रेंड्स। इंशाल्लाह आपको हमारी सारी रेसिपीज, अच्छी अच्छी रेसिपीज और भी अच्छी देखने मिलेंगी फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स बाय, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।